कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश को 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में सरकार की मदद करने के लिए कसरावद विकास खंड के अधिकांश शिक्षक और अध्यापक सहित पटवारी संघ अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। शिक्षकों ने बताया कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कदम उठा रही है। मध्य प्रदेश के लोगों में सक्रिय समर्थन से हम अपने राज्य में वायरस के प्रसार के रोकने में सक्षम होंगे। अध्यापक शिक्षक और पटवारी संघ इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ है, जिसके लिए उन्होंने अपने एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री आपदा कोष को देने का निर्णय किया है। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। मैं स्वयं एवं पूरा जनपद शिक्षा केंद्र कसरावद इस कार्य में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। कर्मा जी की अपील पर मैं सर्व शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष होने के नाते अपना एक दिन का वेतन तो देता ही हूँ, साथ ही साथ मैं अपने जिले के समस्त शिक्षकों से अनुरोध करता हूँ कि वे भी अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है और यह एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। साथियों, बड़े ही दुख का विषय है, जो गरीब मजदूर, जो रोज कमाकर खाने वाले, दिहाड़ी मजदूर करने वाले, हमारे उन साथियों की मदद के लिए कसरावद ब्लॉक के शिक्षक संघ और अध्यापक संघ के द्वारा एक दिन का वेतन देने का निर्णय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का लिया है। साथियों, कोरोना वायरस के बारे में मुझे उम्मीद है कि हम सभी जागरूक भी हो गए हैं, और यदि कोई जागरूक नहीं है तो राष्ट्र निर्माता होने के साथ में हमें उन सभी को जागरूक भी करना है। कहाँ किस प्रकार की समस्या आ रही है उसमें हमें सहयोग भी करना है। हमारे संगठन पूर्व में भी ऐसे करते आए हैं। कोरोना नामक इस महामारी को फुल स्टॉप देने के लिए हम निरंतर प्रयास, हमारा संगठन निरंतर प्रयास करता रहेगा। हमारे संकुल समन्वय समिति के सारे सदस्य, सभी अध्यापक साथी, सभी शिक्षक साथी ने इसमें संपूर्ण समर्थन का ऐलान किया है और अपना एक दिन का वेतन उनकी मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया है। साथियों, हमारे आदरणीय दिनेश जी पटेल और हमारे संजय पटेल जी, संजय शर्मा जी, संजय कर्मा जी और मोहन जी पटेल और भी कई अध्यापक साथियों ने इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए समर्थन किया है और इस प्रकार की मुहिम का भी समर्थन किया है। और साथियों, हमारे शिक्षक संघ के आदरणीय श्रीमान दिलीप जी दुबे, शिवशंकर जी पाटीदार और हमारे अरुण यादव जी, महेश सैते जी और भी अन्य कई शिक्षक साथियों ने इसका समर्थन, दूरभाष पर जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। जैसा कि भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन के आधार पर सभी शासकीय कर्मचारियों को कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए और जो लोग पीड़ित हैं उनको, परिवारों को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए जो कदम उठाया है ये बहुत सराहनीय कदम है। और इसमें जो भी हमारे पटवारी लोग शिक्षक साहिबान करते हैं, एक अच्छा उदाहरण है देश के प्रति समर्पण के प्रति, सेवा के प्रति, हम लोग सब एक साथ हैं। सर, जैसे गरीब लोग हैं उनके जैसे व्यवस्थाएं, जैसे सब्जी वगैरह जो रोज़मर्रा की जो रोज़ लाते हैं उनके लिए कोई मार्केट में छूट? जो स्थानीय स्तर पर हमारे जिले के कलेक्टर महोदय द्वारा जो आदेश जारी किए गए धारा 144 के तहत, उसमें सभी वर्गों का बोले तो ध्यान रखा गया है कि किसी भी स्थिति में कोई परेशान ना हो और किसी को ऐसा ना लगे कि उसको रोज़मर्रा के जो उसके काम है खाना बनाने के और खाने के, तो इस संदर्भ में उनको कोई तकलीफ नहीं आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।